Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute and today I am going to discuss forced harmonic oscillator. तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने पिछला वीडियो को समाप्त किया था. तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन उसका निकाल लिया था फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का और उसका फेज वगैरह निकाल चुके थे. हमें डिस्कस करना था स्पेशल केस को. तो इस वीडियो से पहले जो हमने फोर्स हार्मोनिक के लिए बनाया है वो पहले देख लेंगे, फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो हम डायरेक्ट स्पेशल केस की तरफ बढ़ेंगे. स्पेशल केसेस अब एक बार हम रिमाइंड करा दें कि हमने क्या क्या निकाल रखा था फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए. तो फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने एम्पलीट्यूड निकाल रखा था. एम्पलीट्यूड था एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर. और थीटा की वैल्यू थी थीटा इक्वल टैन इनवर्स टू बी पी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. ये था तो ये फेज फैक्टर और दूसरा ये एम्पलीट्यूड का मान हम निकाल रखे थे. अब हमें स्पेशल केस में देखना था कि किस तरीके से हमारी ड्राइविंग यहाँ पे जो ओमेगा नॉट है ये है नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी और हमारा पी जो है पी है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ड्राइविंग फोर्स उसकी ये फ्रीक्वेंसी है. और बी जो है यहाँ बी एक फैक्टर है, बी को बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कांस्टेंट. तो बी हमारा डैम्पिंग वाला पोर्शन है. तो जो एम्पलीट्यूड है वो तीनों ही वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, चाहे वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, चाहे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो, या फिर बी हो या पी हो. हम लोग अब तक बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से ये एम्पलीट्यूड और थीटा आता है. और ये एम्पलीट्यूड यहाँ से दिख रहा है और अगर इसको एक और टर्म में डिवाइड करें, अदर टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो एफ़ नॉट को लिख सकते हैं कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम. तो यहाँ से ये पता चलेगा कि जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो डिपेंड कर रहा है मास पे भी. और उसके साथ साथ ये एफ़ नॉट जो है ये एफ़ नॉट था एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइविंग फोर्स जो हमने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया था उसका ये एम्पलीट्यूड है और ये मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल. तो जो एम है वो मास है, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल. तो अब हम इसी फॉर्मूले के ऊपर सारा केस डिस्कस करेंगे दोनों. तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं. पहला केस डिस्कस करेंगे लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के लिए. तो फर्स्ट केस है हमारा लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दैट इज़ पी इज़ लेस देन ओमेगा नॉट, यानी पी की वैल्यू बहुत लेस है ओमेगा नॉट से. तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या होगा इस केस में. हमारा एम्पलीट्यूड जो ए होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी ऊपर है एफ नॉट और अपॉन में, चूँकि हम पी को बहुत स्मॉल लिए हैं तो इसका स्क्वायर और स्मॉल होगा. और एक और केस साथ साथ ले लेते हैं कि बी भी यहाँ स्मॉल है, बी इज़ ऑल्सो स्मॉल. तो बी भी स्मॉल होगा और पी भी स्मॉल होगा. तो यहाँ से हम बड़े आराम से इस फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं. उसी तरह यहाँ भी पी अगर स्मॉल है तो ओमेगा नॉट स्क्वायर के कंपेरिजन में इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से सिर्फ हमें मिला ओमेगा नॉट के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी फाइनली हमें मिल जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर. ये वैल्यू मिलेगी एफ की वैल्यू इतना. अब इसको हम चाहें तो अदर टर्म में भी लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एम, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर. या इसको हम चाहें तो सी के टर्म में भी लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एम. और ओमेगा नॉट स्क्वायर हम किसको माने थे, के बाई एम या सी बाई एम, जो भी ये कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है. तो सपोज कर लीजिए कि ये सी बाई एम था ऐसा. ये हो गया ए. अब वो फोर्स कॉन्स्टेंट के ऊपर है कि हमने क्या माना था. तो ये के भी हो सकता है या ये सी भी हो सकता है. तो एक तरीके से एफ नॉट और अपॉन में के ऐसा लिख सकते हैं. तो एम्पलीट्यूड जो हमारा मिल रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ड्राइविंग फोर्स का एम्पलीट्यूड और दूसरा फोर्स कॉन्स्टेंट पे डिपेंड कर रहा है. किस केस में, जब हमारा
ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी लो है। इसी के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है एफ नॉट अपॉन के, या बहुत सारे रिलेशन हैं, इन सभी को ही हम ले लेते हैं। उसी तरीके से थीटा अगर हम निकालना चाहें इस केस में तो क्या मिलेगा, थीटा या टैन थीटा। अगर हम टैन थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा टू बी पी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर हम पी को स्मॉल लेंगे और साथ साथ अगर बी भी स्मॉल लेके चलें, डैम्पिंग भी अगर हम स्मॉल लेके चलेंगे, तो ये वैल्यू किधर टेंड कर जाएगी, ज़ीरो की तरफ। क्योंकि दोनों ही वैल्यू स्मॉल है तो इसकी पूरी वैल्यू ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी। और ये पूरी वैल्यू ज़ीरो करने का मतलब अगर टैन हमारा ज़ीरो है तो थीटा भी ज़ीरो डिग्री की तरफ टेंड करेगा। तो इस केस में लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में और साथ साथ अगर डैम्पिंग स्मॉल हो तो हमें एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह का मिलता है और फेज़ के बारे में कुछ ये आइडिया होता है कि थीटा टेंड कर जाएगा ज़ीरो की तरफ। अब बात करते हैं दूसरे केस के, जो सेकेंड केस है। सेकेंड केस वो है रेजोनेंट रिस्पॉन्स या कह सकते हैं रेजोनेंट कंडीशन। तो इसी में हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह, रेजोनेंस एम्पलीट्यूड सारे टर्म्स यहाँ मिलेंगे। तो रेजोनेंट से हमें याद आता है कि रेजोनेंट हमारा वहाँ पे मिलता है या उस फ्रीक्वेंसी पे मिलता है जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। तो एक्चुअली हम यहाँ बात करेंगे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के बारे में। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हमारा जहाँ पे होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब ये वाली वैल्यू किस पी पे मिलेगा, ये है हमारा काम ढूंढना। हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सारा केस को स्टडी कर रहे हैं। तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो तो मैक्स मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है उसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे और इसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के। याद होगा मैक्सिमा मिनिमा जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो जिस भी टर्म्स का मैक्सिमा निकालना होता है जिसके रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। उससे हमें क्या होता है कि एक पॉइंट मिलता है जिस पे फिर हम उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर वो निगेटिव आता है तो कहते हैं कि हमारा ए जो है वहाँ पर उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, यानी पी के उस पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगा जिसके लिए हम इक्वल टू ज़ीरो किए रहेंगे, और इसका डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हम यही काम करेंगे। तो एम्पलीट्यूड वाला जो फैक्टर है ये वाला, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे पी के रिस्पेक्ट में। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे जो हमारा ए का वैल्यू आया है, क्योंकि हम अभी जो ग्राफ बनाएंगे उसमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे चलते हैं रेजोनेंट की कंडीशन देखते हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमारा काम होगा कि हम उसका डिफरेंशिएशन करें। तो यहीं पे करते हैं dA अपॉन dP इक्वल टू ज़ीरो। सो ऐसा लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट वी डिराइव द दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू P इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसको हम P के रिस्पेक्ट में करेंगे इस टर्म्स को, तो क्या होगा, F नॉट हमारा सिंपल डेरिवेटिव है और कुछ नहीं है, और इसके पावर में हाफ है, इसका पावर माइनस हाफ है, यानी होल ब्रैकेट का पावर माइनस हाफ है। तो हम चाहें तो वहाँ से माइनस हाफ बाहर ले सकते हैं, और इसका पावर हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4b² p² इसका पावर हो जाएगा माइनस हाफ माइनस वन। देखिए ये जो रूट लगा है ये हाफ है, और हाफ का जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ, और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हाफ माइनस हाफ हो जाएगा माइनस 3/2। उसके बाद ब्रैकेट का हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो इस टर्म का करेंगे तो होगा 2, ब्रैकेट हम कुछ और ले लेते हैं 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर से पी का होगा तो माइनस 2p एंड देन 4b², और ये हो जाएगा 2p इक्वल टू ज़ीरो।
तो इसका सिंपल डेरिवेटिव है a का p के रिस्पेक्ट में, हमें यही मिलेगा इक्वल टू उधर है जीरो। नेक्स्ट है सारे टर्म को हम उधर जीरो करेंगे, हमें एक पॉइंट निकालना है कि किस p पे हमारा रेजोनेंट वाला कंडीशन मिलेगा। तो p के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये फिलहाल इस सारे टर्म को ले जाकर उधर ज़ीरो कर लेंगे, सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करेंगे। और इस टर्म में से भी कुछ टर्म हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है 4, राइट 4p, 4 यहाँ भी है और p भी है, तो 4p हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ। तो माइनस 4p कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे, और इधर से बचेगा क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल 0। तो होल द टर्म, ये सारे टर्म्स को हम ज़ीरो ले जा रहे हैं उधर की तरफ, उधर के साइड ले गए ज़ीरो, सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इतना मिलेगा। फिर हम 4p को भी उधर लेते जाएंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा p square equal to omega naught square minus 2b square, or we can say p equal to under root omega naught square minus 2b square। और इसी टर्म को हम फिर pr ले लेते हैं, क्योंकि इसी टर्म p को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इस पे ज़ीरो आ रहा है। और जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, चेक करके देख लीजिएगा, इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यही मिलता है d2a/dp2, जब करते हैं तो ये मिलता है नेगेटिव इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ करना ज़रूरी नहीं है, ये फिजिक्स का पार्ट है तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स यहाँ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। इसका सेकेंड डेरिवेटिव आता है नेगेटिव, इसका मतलब जो ये p है वो रेजोनेंट वाली कंडीशन को शो कर रहा है, तो pr की वैल्यू होगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यानी इस p को हम अगर यहाँ पुट करें तो हमें एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। हमने क्या किया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना था इसका मैक्सिमम टर्म, और वो रिस्पेक्ट में है p के, तो p के रिस्पेक्ट में ज़ीरो किए, फिर मैक्सिमा निकालने की तरह से हमें रेजोनेंट की कंडीशन मिली। अब इसी p को हम यहाँ पुट करेंगे और ये हमें देगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो करते हैं, तो इस p को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो हमें मिलेगा a max, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a max इक्वल ओमेगा नॉट और अंडर रूट्स में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मीन्स दिस, तो ये हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर। इसको पुट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा प्लस, और फिर लास्ट में है 4b स्क्वायर और वहाँ हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा f नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा यहाँ पे स्क्वायर था, दिस इज स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4b पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल, और 2b स्क्वायर का स्क्वायर 4b पावर 4, और यहाँ पे क्या है 4b स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा और साथ में b कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा b स्क्वायर, क्योंकि b 4 में से b स्क्वायर कॉमन है तो b स्क्वायर प्लस, यहाँ से तो कुछ बचेगा नहीं, पूरा का पूरा 4b स्क्वायर बाहर है, तो यहाँ से बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यानी फाइनली हमें मिल गया एफ नॉट अपॉन 2b अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये दे रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड, फिर इसको हम अदर टर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से एफ नॉट अपॉन एम करके, ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है एफ ज़ीरो अपॉन या एफ नॉट अपॉन टू बी ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी वाला टर्म गायब है और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो दिख रहा है यहाँ से, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अपॉन में बी है, अगर हम बहुत लो डैम्पिंग की बात करेंगे यहाँ अपॉन में बी है, तो अगर हम लो डैम्पिंग की बात करेंगे तो ये वाला टर्म तो कुछ खास मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर लो डैम्पिंग है तो हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो किधर की तरफ टेंड करेगा, टेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। अगर बहुत लो डैम्पिंग होगा मतलब टेंड करेगा अगर ज़ीरो की तरफ, सो इफ़ बी इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, बहुत लो डैम्पिंग अगर हुआ तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इधर की तरफ आएगा, यानी ये एक केस हुआ ज़ीरो डैम्पिंग का। अगर हम ज़ीरो डैम्पिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, ये हम ग्राफ में देखेंगे बाद में कैसे ज़ीरो डैम्पिंग में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ग्राफ आता है, तो सीधा मैक्सिमम की तरफ जाएगा और वो इनफाइनाइट होगा ए मैक्सिमम। तो ये था दूसरा कंडीशन रेजोनेंट वाला, इससे ये हमें मिला, और वही चीज़ हम यहाँ भी रख सकते हैं थीटा के लिए, थीटा को भी फाइंड कर सकते हो। तो देखो क्या मिलेगा अगर हम वहाँ पे रखें पी आर, या इसको अगर हम बहुत स्मॉल मान के चलें, यही सेम केस अगर हम माने कि ज़ीरो डैम्पिंग है तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, पी इज़ नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, अगर हम डैम्पिंग को स्मॉल ही मान के चलें या ज़ीरो डैम्पिंग है तो ओमेगा नॉट इज़ नियरली इक्वल टू पी आर या पी, लगभग सेम ही है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें थीटा के लिए तो थीटा हमारा मिलेगा टैन इनवर्स टू बी, बी बहुत स्मॉल है यहाँ भी, बी बहुत स्मॉल है, माइनस टू बी पी आ गया माइनस टू, ठीक है माइनस टू, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू बहुत कम है और अपॉन में है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये एक चीज़ देखिए, ये चीज़ हमारा जो बराबर में है नीचे ज़ीरो हो जा रहा है, यानी टैन इनवर्स टू बी पी अपॉन ज़ीरो, यानी एक तरह से टैन इनवर्स इनफाइनाइट आ रहा है, और ये सब थीटा का मान हो जाएगा पाई बाई टू, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है पाई बाई टू। तो जिस समय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला है एफ नॉट अपॉन दिस, उस समय थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई टू है। ये सारी चीज़ें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, एक डायग्राम बनेगा जहाँ पे सारी चीज़ें शो होंगी लास्ट में। तो ये था हमारा पूरा दूसरा केस जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, फिर से डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड सेक्शन फॉर हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, फॉर हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। तो थर्ड केस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी, फॉर हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी दैट इज पी इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो अगर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी का मान ओमेगा नॉट से बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इफ़ेक्ट आएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स था उसी की फ्रिक्वेंसी है ये पी, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ऑसिलेटर की, तो इस पी की वजह से जो ऑसिलेशन कराया जा रहा है अब इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हम पी को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो रेजोनेंट में हमने देखा था कि ये किसके बराबर हो गया था, जो रेजोनेंट वाली कंडीशन थी वो लगभग नेचुरल के नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गया था। अब इससे ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए एम्पलीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एम्पलीट्यूड का मान क्या होगा, यहाँ से ऊपर है हमारा एफ नॉट और अपॉन में अगर पी स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पी अगर इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे पी स्क्वायर
तो एक तरीके से ये टर्म भी प्रभावी होगा क्योंकि पी का मान बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो टर्म दिख रहा है वो पी स्क्वायर का स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ पी स्क्वायर है। तो हम सिंपली खाली ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ इस तरह से वैरी करेगा। अब ये समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ओमेगा नॉट से ये बहुत बड़ा है पी, तो इसके कंपेरिजन में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है पी स्क्वायर, और ऑल टाइम हम बी को स्मॉल ही लेके चले हैं, तो बी स्मॉल ही है। पी स्क्वायर अलग अलग डैम्पिंग हम लेंगे, लेकिन जनरली पहले स्मॉल लेते हैं। तो पी स्क्वायर है और यहाँ पी का पावर 4 है, तो उसके कंपेरिजन में तो ये छोटा ही है, तो हम इसी को ले लेंगे। यहाँ साइन चेंज कर लेंगे रिलेटेड, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एम, और यहाँ हो गया पी स्क्वायर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ दिख रही है कि जैसे जैसे हम पी को बढ़ाएंगे, ये हमारा एम्पलीट्यूड का मान आ रहा है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ये डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड इसी के ऊपर, यानी जैसे जैसे पी बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या करेगा, जैसे जैसे पी इंक्रीज़ होगा एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज़ होगा। बल्कि यूँ कहें कि अगर पी बहुत हाई ले लेंगे, बहुत हाई ले लेंगे, तो एम्पलीट्यूड हमारा ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। यानी एक तरीके से पी अगर बहुत हाई होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि कैसे बढ़ता है पी और एम्पलीट्यूड घटता है। और इस केस में हमारा थीटा क्या होगा, थीटा एज टैन इनवर्स 2BP अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ऊपर से हमें मिलेगा 2BP, पी ज़्यादा है इसलिए हम नेगलेक्ट यहाँ नहीं करेंगे, और नीचे क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर ज़्यादा है इसलिए ओमेगा नॉट के कंपेरिजन में, ओमेगा नॉट स्क्वायर पी स्क्वायर के कंपेरिजन में नेगलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये वाला फैक्टर, ठीक है। फिर यहाँ से मिलेगा टैन इनवर्स माइनस 2b अपॉन पी, ऊपर एक p है अपॉन में पी स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2b/p। अब अगर हम p को हाई करते हैं तो क्या मिलेगा, p को अगर हाई करेंगे तो हो जाएगा टैन इनवर्स माइनस 0, और थीटा की वैल्यू टैन में माइनस 0 तब आती है जब थीटा की वैल्यू होती है पाई, जिस माइनस 0 टैन में तब आता है जब थीटा की वैल्यू होती है पाई। तो ये चीज़ मिला हमें किस केस में, हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी में एम्पलीट्यूड ये है और थीटा की वैल्यू ये है, फेज वाला फैक्टर, और ये है एम्पलीट्यूड। अब यही वेरिएशन हम एक ग्राफ में देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक ग्राफ बनाते हैं, इस साइड में हम एम्पलीट्यूड लेंगे, एम्पलीट्यूड, और इधर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। आफ्टर ऑल सारी चीज़ें इस पी की वजह से ही हो रही है, जो हम एक्सटर्नल लगाए थे एफ इक्वल एफ नॉट साइन PT एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ये सारी कहानी इसी की वजह से है। तो हम पी को ही वेरी करके एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखेंगे। तो वेरिएशन शो हो रहा है यहाँ से, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे पीक मिलेगा और ये PR पे मिलेगा, और ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड AM, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये केस है हमारा लो डैम्पिंग का, यानी बी की वैल्यू हम बहुत स्मॉल लेंगे उस केस में। एक ग्राफ आएगा हाई डैम्पिंग वाला, जो कुछ इस तरह से है, यहाँ से ऐसे शुरू हो के फिर, तो इसकी पीक कुछ पहले ही है यहाँ पे। ये केस है हाई डैम्पिंग,
हाई डैम्पिंग, और एक और केस हम यहाँ बना लेते हैं, ये वाला इधर से, तो ये है ज़ीरो डैम्पिंग, ज़ीरो डैम्पिंग, ज़ीरो डैम्पिंग। तो जो ज़ीरो डैम्पिंग वाला केस है वो दिख रहा है, ज़ीरो डैम्पिंग में हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ जाता है, इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, यानी हमारा एम्पलीट्यूड पोर्शन कहीं भी कट नहीं हो रहा। ज़ीरो डैम्पिंग के केस में ये सीधा इनफाइनाइट, हमने फॉर्मूला देखा था बीच में, अपॉन में बी था। जो ज़ीरो डैम्पिंग का केस हम रेजोनेंस वाले कंडीशन में देख सकते थे, वहाँ एम्पलीट्यूड का मान क्या आया था, एम्पलीट्यूड का मान था, वहीं से हम इसको निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड का मान था रेजोनेंस वाली कंडीशन में, जहाँ ए मैक्स आ रहा था, ए मैक्स था 1/2b अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था। तो अगर यहाँ पे हम ज़ीरो डैम्पिंग की बात करेंगे तो यहाँ पूरा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ज़ीरो डैम्पिंग में कुछ खास नहीं है, ज़ीरो डैम्पिंग पे हम हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। तो इससे हम साफ साफ देख सकते हैं, इफ़ बी इज टेंडिंग टू ज़ीरो, ए मैक्स हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड होगा। तो ज़ीरो डैम्पिंग की बात हो गई। अब लो डैम्पिंग में देख रहे हैं क्या हो रहा है, लो डैम्पिंग में जब हम इनिशियली, जैसे इधर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, ऐसे इधर की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो हम पी को इंक्रीज करेंगे, और इधर की तरफ जब बढ़ेंगे तो एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरह से इंक्रीज़ हुआ है और एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके फिर से डिक्रीज होना शुरू हुआ है। केस हमारा लो डैम्पिंग का है, ज़ीरो नहीं है, स्मॉल है, जो थ्योरी के दौरान हमने हमेशा यही वाला केस लिया था, लो डैम्पिंग वाला। तो एक्चुअली लो डैम्पिंग में क्या हो रहा है, लो डैम्पिंग में इनिशियली जैसे जैसे हम पी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम पी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये वैल्यू बढ़ रही है एम्पलीट्यूड, और यहाँ तक बढ़ती है। अब देखिए इसको कि ये कैसे यहाँ तक बढ़ती है ये वाली वैल्यू, तो इसी फार्मूले से देखेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो शुरू शुरू में अगर हम पी की वैल्यू बढ़ाएंगे यहाँ से, तो अगर पी की वैल्यू बढ़ेगी तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू घटेगी, अगर यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी, अगर हम पी को बढ़ाएंगे, इस पी को अगर हम बढ़ाएंगे तो ओमेगा नॉट में से कुछ माइनस होगा, और जब कुछ माइनस होगा तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस फैक्टर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू कम हो गई है। और शुरू शुरू में जब पी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इनिशियली तो पी स्मॉल ही है, जैसे जैसे हम यहाँ पी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पी की वैल्यू मिलेगी, तो इनिशियली पी की वैल्यू बहुत स्मॉल है और बी हमने हमेशा स्मॉल ही ले रखा है, इस कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ लो डैम्पिंग ही है, तो बी और पी दोनों हैं, तो इनिशियली हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, केवल ये फैक्टर काम कर रहा है। तो जैसे जैसे हम पी को बढ़ाएंगे ओमेगा नॉट में से वैल्यू घटेगी, और घटेगी तो नीचे का पूरा पोर्शन कम हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पी को बढ़ाएंगे ये फैक्टर घटता जाएगा, और फैक्टर जब घटेगा नीचे वाला तो जब डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आएगा। कब तक ज़्यादा आएगा, जब तक हमारा पी पी आर के बराबर हो जाएगा, या लगभग एक और लाइन हम यहाँ ड्रॉ करें, अगर ओमेगा नॉट इसके आसपास आता है, ओमेगा नॉट का मान, तो रेजोनेंस और ये वैल्यू लगभग बराबर होती है जब हम डैम्पिंग को बिल्कुल ज़ीरो ले लेते हैं, डैम्पिंग कभी ज़ीरो नहीं होता, तो पी आर और ओमेगा नॉट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो एक ऐसा केस आएगा जैसे हम पी को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे, यानी जिस कंडीशन में ये बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर का मान बढ़ते बढ़ते अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर पर पहुँच जाएगा, तब क्या होगा कि ये फैक्टर पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये फैक्टर पूरा ज़ीरो, और अब पी की वैल्यू बढ़ गई है तो ये फैक्टर, ये जो टर्म है ये नगलेट नहीं हो पाएगा, तो अब ये कंसिडरेशन में होगा। तो ये फैक्टर धीरे धीरे ज़ीरो होगा एक टर्म पे, उस समय मैक्सिमम मिलेगा, और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो माइनस होकर पॉजिटिव हो, अगर ओमेगा स्क्वायर फिर घटना शुरू होगा ना, जब पी स्क्वायर बढ़ते बढ़ते ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद जब पी बढ़ेगा तो ब्रैकेट का मान निगेटिव में आएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस पी की वजह से भी घटना शुरू होगा और इस पी की वजह से भी घटना शुरू होगा, क्योंकि अब ये टर्म भी इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पी का मान बहुत बढ़ गया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई डैम्पिंग, हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं, इस टर्म में हम
इधर की तरफ ड्राइविंग दिखा रहे हैं, तो जब पी बहुत ज़्यादा होगा तो दोनों टर्म घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डिक्रीजिंग दिख रहा है रेजोनेंट की कंडीशन के बाद, वो इसीलिए है कि जैसे जैसे पी की वैल्यू बढ़ेगी ये टर्म का डोमिनेशन ख़त्म हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा बल्कि पी यहाँ ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो दोनों टर्म की वजह से डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगा। इनिशियली ये टर्म लगभग ज़ीरो होता है, इसलिए ये टर्म घटता है जिससे एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ता है, शुरू शुरू में बढ़ता है, बाद में घटना शुरू होता है क्योंकि ये और ये दोनों ही टर्म घटाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे ये ज़ीरो की तरफ ट्रेंड कर जाता है। बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर पी की हो जाएगी तो डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो की तरफ जाएगा। ये था हमारा लो डैम्पिंग का केस। उसी तरह से हाई डैम्पिंग को भी समझ सकते हैं। तो हाई डैम्पिंग में देखिए एम्पलीट्यूड का फैक्टर क्या था, ये था जो एम्पलीट्यूड का मान आया था वो ये था हाई डैम्पिंग में। तो हाई डैम्पिंग में एफ ज़ीरो अपॉन एम एक तो ये था, दूसरा हम पी के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं तो एम्पलीट्यूड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है 1/p² के। तो जैसे जैसे पी बढ़ेगा बहुत तेज़ी से एम्पलीट्यूड घटेगा, वही काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ भी नहीं पाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है लगभग यहीं तक आता है, उसके बाद फिर ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाता है। अब इसमें इस तरह का नेचर क्यों है, तो यहाँ पे देखिए केस हमारा हाई डैम्पिंग का है। तो हाई डैम्पिंग है तो अगर हम शुरू शुरू की बात करें, इस टर्म को हम फिर से लिखते हैं, सारा इसी रिलेशन से आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो सब दिख जाएगा। नहीं समझ में आए तो थोड़ा एक दो बार देख लेंगे आ जाएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ है 4b² और पी स्क्वायर। तो हाई डैम्पिंग हम देख रहे हैं, हाई डैम्पिंग में हम इस टर्म को नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे चाहे शुरू में हो या लास्ट में हो। तो ये वाला टर्म तो शुरू शुरू में एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा था जैसे लो डैम्पिंग में था, तो इसकी टेंडेंसी वही है, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, लेकिन ये टर्म घटा रहा है शुरू शुरू में, तो इसीलिए ये पीक बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती है जितना कि लो डैम्पिंग में होता है। लो डैम्पिंग में हमें एम्पलीट्यूड इतना मिलता है लेकिन हाई में नहीं मिलता, हाई में केवल इतना ही मिलता है। रीज़न ये है कि शुरू शुरू में ही बी हमारा हाई होता है, जब बी हाई होगा तो ये घटाने की कोशिश करता है, इसकी वजह से जब पी लो होगा, पी जब कम होगा तो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता और बहुत जल्दी फ्लैट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पीक मिलता नहीं है, ये एक फ्लैट कर्व होता है, एक तरीके से ये एकदम फ्लैट कर्व है, बहुत ज़्यादा पीक नहीं मिलती और भी ये छोटा ही रहता है, बल्कि कुछ इस तरीके से थोड़ा सा फिर इस तरह का आता है। और डिक्रीजिंग वाला मामला सेम ही है, जैसे जैसे अब हाई, एक तो हाई डैम्पिंग है तो ये बी तो यहाँ पे है ही है, बी के साथ साथ हमारा पी भी हाई हो जाता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पी भी हाई, दोनों हाई हो जाएंगे तो ये टर्म भी डिक्रीज़ कर रहा है, ये टर्म भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड तेज़ी से किधर की तरफ जाएगा, ज़ीरो की तरफ ट्रेंड करेगा, वही ये नेचर शो कर रहा है, सेम है। तो अगर कोई समस्या अभी भी हो तो फिर कमेंट करेंगे, हम फिर बाद में इसको देख लेंगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमेशा एक चीज़ जानिए कि ये वाला फैक्टर हमेशा एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश करता है और ये वाला घटाने की कोशिश करता है। जनरली इनिशियली ये टर्म शुरू शुरू में जब हम यहाँ से पी को बढ़ाना शुरू करते हैं तो ये टर्म एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये टर्म तो शुरू में ज़ीरो ही होता है, लेकिन अगर डैम्पिंग हाई वाला केस लेंगे तो ये घटाने की कोशिश करेगा। तो दोनों टर्म में हर एक का डोमिनेशन है, एक बार ये डोमिनेट करता है, एक बार ये डोमिनेट करता है, और उस हिसाब से इसका ग्राफ एक बार बढ़ता है और फिर घटता है। ज़ीरो डैम्पिंग में कुछ था ही नहीं, अगर हम अपॉन में यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो सीधा इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंडिंग हो जाएगा, ट्रेंडिंग ज़ीरो। अब फेज वाला फैक्टर भी देख लेते हैं, एक थीटा हमने पाई निकाला था, एक थीटा पाई बाई टू था और एक थीटा ज़ीरो था, तो एक कर्व इसके लिए भी यहीं पे देख लेते हैं कि थीटा के साथ पी का क्या वेरिएशन है। कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा ये हमारा फिगर गड़बड़ हो रहा है, इसको हम
ऐसे बना लेते हैं, ये ओमेगा नॉट वाली लाइन है जो हमने उसमें भी खींचा था इसके पहले वाले में, और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से ऐसा, तो यही हमारा है यहाँ पाई बाई टू, और ये वाली कंडीशन है पाई। तो इधर की तरफ हम लोग फेज देख रहे हैं फेज, और इधर वही है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पी इस साइड। तो शुरू शुरू में हमने क्या देखा था, इसका कर्व का नेचर देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, कुछ इस तरीके से ये है। तो सबसे पहले अगर हम लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में थीटा की वैल्यू ज़ीरो थी, थीटा हम लोग इधर की तरफ देख रहे हैं। तो लो जब शुरू शुरू में लो है तो थीटा कितना है, इतना ही तो है, बहुत कम कम है, स्मॉल है शुरू में। तो जब लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी था तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो की तरफ टेंड कर रही थी, दिख रहा है लो पे थीटा ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है। जब ओमेगा नॉट के आसपास पहुंचा था पी आर की वैल्यू, उस समय हमारा सेकंड केस जो रेजोनेंस वाला कंडीशन था, वहाँ पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें पाई बाई टू मिला था। और अभी अभी जस्ट हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर हम इधर इससे भी आगे बढ़ते हैं, यही कर्व को हमको देखना है, इससे जब आगे हम मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर हम इससे भी आगे बढ़ाएंगे तो हम हाई की तरफ जा रहे हैं। रेजोनेंस के बाद बढ़ाना मतलब इधर का जो रीज़न है वो हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, हाई ड्राइविंग, और इसके इधर वाला जो रीज़न है ये है लो, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, लो ड्राइविंग यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एक तरह से, और यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू थी वो पाई थी, अभी अभी देखा हमने यहाँ पे, ये है ना थीटा की वैल्यू पाई, ये वाला थीटा की वैल्यू पाई हुआ था। तो ये ग्राफ है इसका सेम थीटा इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है और एम्पलीट्यूड वगैरह निकाल ही चुके हैं, तो हम इसकी क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका शार्पनेस आता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कितना शार्प है, जो एम्पलीट्यूड का पीक आता है वो कितना शार्प है, वो इसका एक अलग मैटर है। तो फिलहाल क्वालिटी फैक्टर हम जल्दी से निकाल लेते हैं, शार्पनेस वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। शार्पनेस ये बताता है कि हमारा जो वेरिएशन हो रहा है वो कितना शार्प हो रहा है, जो पीक हमारी आ रही थी। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए हम क्वालिटी फैक्टर इसका निकाल लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर क्यू। तो ये एक तरह से हम मैक्सिमम के हिसाब से निकाल सकते हैं, जैसे एक बार हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ए मैक्स और अपॉन में ए नॉट, ए मैक्स अपॉन ए नॉट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए नॉट हमारा जो था वो एम्पलीट्यूड था ज़ीरो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी पे, और इसको हम मैक्सिमम मान रहे हैं रेजोनेंट पे, यानी ये एक तरीके से एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट, एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और अपॉन में एम्पलीट्यूड एट वेरी लो वाला जो कंडीशन था। तो इसको तो एम्पलीट्यूड एट लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी पी की वैल्यू बहुत लो हो, वो चीज़ है। तो अगर हम इन दोनों का मान रखें, ए मैक्स का मान कितना था, ए मैक्सिमम जो आया था वो था हमारा एफ नॉट अपॉन टू बी एम ओमेगा नॉट, और ए नॉट की वैल्यू थी एफ अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर।
एफ अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इस रेशियो को ही हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इस क्यू का मान आता है, जब सारे टर्म को हम कट करेंगे तो ये एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एफ ही है, एफ नॉट है, और ये एफ नॉट बाई एम सिंपली एफ है ना, ये पूरा जो एफ नॉट अपॉन एम दिख रहा है वो एफ ही है, तो इससे कैंसिल हो रहा है, ओमेगा नॉट से एक ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू इक्वल मिलेगा, क्यू इक्वल ओमेगा अपॉन टू बी, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू वन अपॉन टू बी। ये फैक्टर हम लोग माने हैं पहले से ही, जहाँ हम कॉन्स्टेंट वगैरह मान रहे थे, तो टाउ की वैल्यू होती है वन अपॉन टू बी के बराबर, और टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये था फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर का यहाँ तक का पार्ट, इसके बाद सिर्फ शार्पनेस बच रहा है, तो ये वीडियो और इसके जस्ट पहले वाला वीडियो दोनों एक साथ जब मिला के देखेंगे तो पूरा आपका लगभग फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट हो जाएगा, जो एकेडमी लेवल तक इतना ही है ग्रेजुएशन में, शार्पनेस एक रह जा रहा है उसमें टॉपिक, जिसको हम देख लेंगे बाद में, तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ, थैंक यू।